ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए अभी हमें अपने आप को थोड़ा सा फ्री करना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, घर में खुशी का माहौल लाना है। कोशिश करें ज़्यादा कोरोना के बारे में बातें ना करें, अच्छा खाए पिए, अच्छे से बातें करें, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपको खुशी मिलती है, गार्डनिंग करने से, पेड़ लगाने से, कैरम खेलने से, जी और बिल्कुल लोगों से नेहा जी, मैं बातचीत आपको करने रोकना में। चाहती हूँ। हाँ हमारे जी साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम बख्श है मुंबई से। राम जी, सवाल पूछिए। हेलो, हेलो, जी सवाल पूछिए। आपसे जानना चाहते थे कि जी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें घर में रह करके लोगों को खा क्योंकि सीनियर एज के लोगों को कहा जा रहा है कि घरों में रहना चाहिए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कौन चीज काढ़ा वगैरह, जैसे हम लोग कुछ काढ़ा बना के पीते हैं अदरक वगैरह का, बिल्कुल तो कुछ बिल्कुल आप भी सलाह देंगे कि क्या और लेना चाहिए, उसमें लेना चाहिए? बिल्कुल, अदरक का काढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तुलसी डाल सकते हो उसमें, तुलसी डाल के अदरक का काढ़ा लीजिए। घर में लहसुन अगर हो, लहसुन का इस्तेमाल होता है, लहसुन का उपयोग कीजिए। विटामिन सी आपको बढ़ाना है अपने खाने में, वो आप नींबू के तौर पे बढ़ा सकते हैं, संतरा मौसम्बी के तौर पे बढ़ा सकते हैं, आप टमाटर का उपयोग बढ़ा सकते हैं। जो भी विटामिन सी रिच फूड है उसका इंटेक बढ़ाइए। अगर आप जितना ज़्यादा शरीर में विटामिन सी का इंटेक बढ़ेगा, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, यूनिश है कानपुर से। यूनिश जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी मैडम, मेरी वाइफ है, उनको पेट में प्रॉब्लम है, थोड़ा हल्का सा दर्द रहता है, गैस उनके बहुत बनती है। नहीं हाँ जी, प्रेग्नेंट है क्या वो? प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंसी है नहीं मैडम, नहीं, एक साल का बच्चा है। आपका? एक माँ का बच्चा है? नहीं, 1 साल का बच्चा है, लेकिन जी उनकी वाइफ के पेट में पेन होता है और गैस बनती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। अगर आपका पेन रोज रोज रहता है, पेट में दर्द हमेशा रहता है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर निचले हिस्से में पेट में दर्द है तो बच्चेदानी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ऊपर हिस्से में दर्द है वो पेट की शिकायत की वजह से पेट में दर्द रहता है और गैस बनती है। पहली बात तो हमें ध्यान देना है कि गैस की समस्या क्यों होती है। गैस की समस्या के 2-3 कारण होते हैं। आप उटपटांग खाना, तेल तला भुना मसाला खाना, या खाली पेट, अधिकांश समय खाली पेट रहना, उसके वजह से पेट में गैस बनती है। तो कोशिश करें कि अधिकांश समय खाली पेट ना रहे, कुछ ना कुछ खाते रहें, थोड़ा बहुत मील्स लेते रहें। सुबह खाली पेट चाय, खाली चाय ना लें, उसके साथ बिस्किट या कुछ लें। उठने के बाद पहले एक फ्रूट लें, उसके बाद चाय बिस्किट या उसके साथ नाश्ता लें, और फ्रीक्वेंट डाइट लेते रहें, बीच बीच में कुछ ना कुछ मील्स लेते रहें। इससे गैस नहीं बनेगी, पेट दर्द की प्रॉब्लम भी नहीं ठीक हो जाएगी। और अगर ये फ्रीक्वेंट है तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाइए, कोई और कारण भी हो सकता है, पेट में अल्सर का कारण हो सकता है, या कोई पैथोलॉजी या कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो जी उसको दिखाएं। तो नेहा जी, जिस तरीके से WHO ने कहा है कि जो कोरोना वायरस है शायद इसका खात्मा होना मुश्किल है, जिस तरीके से HIV की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आ पाई है, HIV अभी तक हमारे साथ रह रहा है, हम इसको नहीं निकाल पाए हैं, तो क्या इस कोरोना वायरस को भी हम नहीं निकाल सकते हैं? क्या इसका खात्मा भी नहीं हो सकता है अब? देखिए, वायरस है, कोई भी हमने बहुत सुना है, कोई भी वायरस अगर आता है, वायरस को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हवा में रहता है, छूने से होता है। आप कब तक रोक सकते हैं? आप हवा, बहती हवा को नहीं रोक सकते, किसी को छूने से नहीं रोक सकते। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हाल फिलहाल WHO भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पूरे इंटरनेशनली कोशिश हो रही है वैक्सीन बनने की। जैसे ही वैक्सीन डेवलप हो जाती है, लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि एक दूसरे से आइदर लैट्रिन के रास्ते, हवा के रास्ते, वो वायरस सबके थ्रू पहुंच जाता है और इंसान अपने अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेता है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है समय के साथ, वैक्सीन डेवलप हो जाता है, तो हाँ, हम कोरोना वायरस पर निजात पा सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। रिसर्चर्स जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो वैक्सीन डेवलप के लिए करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में आ रहा है, हर जगह आप देख ही रहे हैं, TV पे देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और नेहा जी, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो क्या ख्याल रखें अपना, वो किस तरह की सावधानी बरत सकती है इस कोरोना वायरस में? देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है, मतलब जो औरत गर्भ से है, पेट से है, उसमें इम्यून सिस्टम, जो रोगों की लड़ने की क्षमता होती है, वो कंपेयर टू अदर वुमेन्स, मतलब जो नॉर्मल है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो गर्भवती नहीं है महिला, उनके कंपैरिजन में कम हो जाती है। इसीलिए गर्भवती महिला को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा।
उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, पहली बात तो कोशिश कीजिए आप बाहर ना निकलें, किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए, किसी के टच में ना आए। जो आपके घर वाले बाहर जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, काम के लिए बाहर जा रहे हैं, वो जब भी घर आए, सब घुसते ही घर में उनको हाथ धोना है, पैर धोने हैं, अपने कपड़े निकाल के डिस्कार्ड करना है, कहीं रखना है, जो 24 घंटे रखने के बाद उनको गर्म पानी से उबाल के धो के आयरन करके फिर यूज़ करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। सेकेंडली, मेरी आवाज़ आ रही है जी? आपकी आवाज़ स्पष्ट हो गई। सेकेंडली, आपको ये तो करना है, साथ साथ खान पीन पर बहुत ध्यान रखना है। जी मैम, आपको मैं रोकना चाहूँगी, तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार पूरी कोशिश कर रही है और कोरोना वायरस को लेकर पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इसको कैसे खात्मा किया जाए। मसला लगातार डॉक्टर भी मौजूद है, वो सभी सवालों के जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसका जो आंकड़ा है इंडिया में वो 96,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है किस वायरस को कैसे खात्मा किया जाए, और इसको लेकर भी आए दिन सरकार भी लोगों से अपील करती है कि इसका खात्मा करने के लिए और हमें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमारे साथ एक्सपर्ट ज़्यादा लगातार मौजूद है डॉक्टर नेहा सिंह, वो आपके सभी सवाल के हमें जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेहा जी, हम अभी बात करते हैं इसी, जो प्रेग्नेंट हैं तो उसके लिए वो क्या सावधानी बरतें, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो सबसे पहले हाइजीन की बात थी, हाइजीन में ध्यान रखना है, खुद घर से बाहर ना निकले, फ्रीक्वेंट हाथ धोते रहे, लगातार बीच बीच में हाथ धोते रहे, कहीं अगर बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगा के निकले। अगर आपके घर वाले बाहर जा रहे हैं, वो घर आए तो उनके कपड़े हाथ मुंह धो के अंदर आए, कपड़े उनके डिस्कार्ड करने हैं, मतलब उनको रखना है 24 घंटे के लिए, फिर गर्म पानी से धो के प्रेस करके उसके बाद ही अगले दिन पहने। जो भी औरतें जो बाहर वर्किंग वीमेन हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो काम करती हैं बाहर, प्रेग्नेंट हैं, वो अपना ध्यान रखें, मास्क लगाना है उनको, हो सके तो कुछ टच ना करें, जैसे लिफ्ट के बटन्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उन सबको टच ना करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और ग्लव्स जब आप यूज़ करके उसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, बार बार अपने हाथ धोएं, कोशिश करें कुछ भी अनावश्यक वस्तु ना छुएं, किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए, अपने नाक मुँह और आँखों में उंगली ना डालें जिससे वायरस हमारे शरीर में अंदर ना जाए। खान पान पर ध्यान देते रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो इसको भी आप झेल सकते हैं, वायरस को आप आराम से झेल सकते हैं जी। प्रेगनेंसी में खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा जी। तो नेहा जी, जिस तरीके से लड़कियाँ जो भी महिलाएँ हैं वो महीने पर प्रेगनेंट मतलब पीरियड से होती हैं, तो उनके लिए वो क्या सावधानी बरतते हैं? जिस तरीके से देखा जाता है कि ब्लड जब निकलता है तो काफ़ी वीक हो जाती हैं वो, तो उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? देखिए, जो नॉर्मल पीरियड जो होता है, हर स्त्री में जो नॉर्मल पीरियड होता है उसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, एक फिक्स्ड मात्रा होती है। नॉर्मली एक औरत एक जो प्रसव समय होता है, प्रसव कह रही हूँ, जो पीरियड का समय होता है उसमें 80 ml का ब्लड लॉस होता है। 80 ml हर औरत महीने के दौरान लॉस करती है। लेकिन यदि किसी महिला को ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ज़्यादा खून जा रहा है, वो जो ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा खून जाना होता है, वो आप कैसे क्वांटिटेट कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है? वो पैड्स के थ्रू पता चलता है। यदि आप हर 2-2 घंटे पे अपना पैड चेंज कर रहे हैं तो मतलब आपको ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। इसके कई कारण होते हैं, ऐसे ही ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली क्या होता है, कई कारण होते हैं। आपका थायराइड गड़बड़ हो सकता है, आपकी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका खून जमाने की शक्ति है वो गड़बड़ हो सकती है, तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएट कराना पड़ता है, उसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है जी। मैम, मेरे आपसे सवाल रहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और रमेश हैं उत्तराखंड से। रमेश जी, सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये कोरोना वायरस पानी पानी को छूने से भी फैलता है क्या? कोरोना वायरस पानी के छूने से तो नहीं फैलता, लेकिन यदि आप पानी के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो कोरोना पेशेंट ने पानी छुआ है उसमें वायरस आ जाता है, लेकिन पानी के छूने से नहीं फैलता। पानी की एक लिमिट होती है जितने में वो वायरस रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। वायरस की एक लिमिट होती है, जैसे हमें पता है कि लकड़ी के ऊपर वायरस 24 घंटे रह सकता है, कपड़े के ऊपर वायरस 24 घंटे रह सकता है, ऐसे पानी में एक लिमिट तक पानी में वायरस रहता है, उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाता है, वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर वो कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली आपको भी लगेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, श्याम है जयपुर से। श्याम जी, सवाल पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद में अगर आंखों में जलन होती है तो इसका क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं आंखों में जलन, क्योंकि हमें पता है पॉल्यूशन, प्रदूषण, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण, आप बाहर निकलते हैं आपकी आंखों में धुआं लगता है, मिट्टी लगती है, इसके वजह से आपको प्रदूषण के वजह से आंखों में जलन होता है। घर आके आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं, कोशिश करें टीवी, मॉनिटर या मोबाइल पे अपने जो फोकस है उसको कम रखें, क्योंकि उसके वजह से भी आंखों में सूखापन आता है, जिसको हम ड्राई आई कहते हैं, जिसके वजह से आंखों में जलन होता है। कोशिश करें ठंडे पानी से धोएं, गुलाब जल डालें, अगर दिक्कत ज़्यादा लगे तो किसी आए स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। जी नेहा जी, मेरे आपसे सवाल आपसे जारी रहेंगे, मतलब छोटे से ब्रेक का हो चला है, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के ऊपर जवाब देंगे। मतलब ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सारथी खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फिर सवाल पूछ सकते हैं। मसद एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा सिंह, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। मैम, जिस तरीके से जो लड़कियां महीने में दो या तीन बार पीरियड से होती हैं तो उसकी वजह क्या होती है? देखिए, अभी आपने मुझसे पूछा था, यही मैंने आपको जवाब दिया था कि कोई पैथोलॉजी होती है, कोई कारण होता है जिसके वजह से 2 से 3 बार महीने में मतलब पीरियड आ जाता है। कभी कभार थायराइड कारण हो सकता है, कभी कभार प्रोलैक्टिन हार्मोन कारण हो सकता है, कभी कभार बच्चेदानी में कोई समस्या हो सकती है या बच्चेदानी के बगल में ही लगे अंडाशय में कोई दिक्कत आ सकती है। आजकल जो मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो हमारे खान पान एक्सरसाइज ना करने की वजह से बैठे बैठे जो पूरा समय आजकल बच्चे बैठ के काट देते हैं, लेटे लेटे काट देते हैं, उसके वजह से PCOD बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें भी क्या होता है, कभी कभार पीरियड कुछ महीने चढ़ के आता है, कुछ क्या होता है महीने में 2-2, 3-3 बार हो जाता है। तो इसका इवैल्यूएशन होता है प्रॉपर, इसका चेकअप करना पड़ता है, हमको हार्मोन टेस्ट कराना पड़ता है, बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, उससे पता चलता है कि क्या कारण है, महीना बार बार क्यों आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। जी, कभी कभी ये भी होता है कि कभी एक महीना गैप भी हो जाता है लड़कियों का, हाँ तो वो क्या इसके भी कोई हार्मोन की वजह है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया PCOD जो होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज, जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ना अच्छा खाना पीना ना खाने से आजकल लोग बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा समय घर में बैठे रहना, हाउस होल्ड वर्क जो घर के काम है उनमें भी माँ बाप की मदद ना करवाना, बैठे बैठे बिस्तर पर चाय दे दो, खाना दे दो, इसके वजह से क्या होता है लोग एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, जिसके वजह से आप हार्मोनल डिसबैलेंस में चले जाते हैं, हार्मोन आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसको हम PCOD का नाम देते हैं। PCOD हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है, जिसके वजह से लोगों को पीरियड चढ़ चढ़ के भी आते हैं, किसी किसी को महीने में 2-3 बार भी हो जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जिस तरीके से जो मेनली जो 5 दिन होते हैं पीरियड्स के, वो 5 से 7 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कुछ लड़कियाँ 2 या 3 दिन के लिए होती है पीरियड्स। देखिए,
इसको हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं। हाइपोमेनोरिया को क्वांटिफाई किया गया है, बताया गया है कि कितना कम होना चाहिए, कितना कम पीरियड हो कि उसको हम हाइपो बोले, कम बोले। यदि आपका पूरे दिन में एक पैड भी सोक नहीं हो रहा है तो उसको हम हाइपोमेनोरिया बोलते हैं, मतलब पीरियड कम आना बोलते हैं। ये भी कारण हार्मोन डिसबैलेंस का ही होता है। आप एक्सरसाइज करें, अपने खान पान को ठीक करें, तो ये आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें इस समय जो पीरियड्स की प्रॉब्लम जनरली लोगों को होती है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, जो मोस्ट कॉमन कारण है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। हार्मोन शरीर के ऊपर नीचे हो जाते हैं स्त्री के, वो इसीलिए है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज का मतलब घर का काम चलना फिरना नहीं होता, थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी होता है। हमें अपने एब्डोमेन, जो पेट की एक्सरसाइज होती है, वो करना चाहिए, जिससे वहाँ का ओबेसिटी कम हो और हमारे हार्मोन्स बेटर हो जाए। तो कॉल से बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर, क्या अल्कोहल इस कोरोना वायरस को मारता है? हाँ जी, अल्कोहल जो है, कहते हैं कि 70% अल्कोहल के अबव अगर आप यूज़ करते हैं, जो सैनिटाइज़र में होता है, जो आपके बहुत सारी क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनमें होता है, वो इस वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है, मार देता है। हाँ जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है, क्या जो लोग संक्रमित हो जाते हैं इससे, तो ठीक होने के बाद क्या वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, नहीं मतलब अगर वो इम्यून, बेसिकली क्या होता है, जो वायरस होता है आपके शरीर में, जब वायरस जाता है तो दो तरह की एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। एक IgM एंटीबॉडी होती है, एक IgG एंटीबॉडी होती है। IgM क्या होता है कि जब आपको वायरस जाता है, तुरंत जो आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो निकालता है, जो इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्स देता है, वो IgM के फॉर्म में देता है। एंड बहुत समय के बाद, अपना 3 महीना 6 महीने के बाद IgG एंटीबॉडी बन जाती है, तो शरीर इम्यून हो जाता है उस वायरस से। अभी कोरोना वायरस नया है, जिन लोगों को हो रहा है, फ्रीक्वेंट कोरोना वायरस ही नहीं होगा क्योंकि उसके अगेंस्ट उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं। जो COVID-19 है, क्योंकि वो 2019 में हुआ है इसलिए COVID-19 कह रहे हैं हम उसको, कोरोना के और स्ट्रेन्स होंगे तो COVID-19 ना होके COVID-20 हो जाएगा। तो वो वायरस आपको किसी और रूप में, उसी फैमिली के किसी और रूप में हो सकता है, लेकिन COVID-19 से आप बच सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। जी मैम, जिस तरीके से WHO ने भी यही कहा है और देश, जो हमारी सरकार, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें इस कोरोना वायरस में जीना सीखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, देखिए अभी मैंने जैसे अभी बताया था आपको पहले, कि जब तक इसका वैक्सीन डेवलप नहीं होता, हमारे पूरी सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। हर्ड का मतलब आपके अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप नहीं होती, तब तक हमको इसको लेके जीना पड़ेगा। अब ये हमारी लाइफस्टाइल बन गई है, रेगुलर हाथ धोना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना, घर की सफाई रखना, लोगों से दूरी बना के रखना, जिससे हम अपने आप को बचा सकें, अपनी फैमिली को बचा सकें। जब तक पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, सबको ऑलमोस्ट सबको सबके अंदर इसके एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो जाते, हमें अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। ये कभी ना कभी किसी ना किसी को कभी भी हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार हैं अयोध्या से। राजकुमार जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर, नमस्ते। नमस्ते। हमको जो है, हाँ, ये एक बीपी के बारे में पूछना है। हमारे जो बीपी जो है 118/74 और नब्ज जो है 69 रहती है, तो ये ठीक है कि खराब जैसा हो, बताइए इसके बारे में। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, तो मैं आपका आंसर दे देती हूँ। आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो आप ये मान के चलिए 130/90 से नीचे, अगर नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 रहता है, जो नॉर्मल सिनेरियो में हर लोग का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 रहता है, नीचे वाला 80 रहता है। ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये 120 से 80 का नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। यदि लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 40-50 उम्र है, उससे ऊपर है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 भी रहता है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर 140/90 या 150/100 के ऊपर जा रहा है, तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब ब्लड प्रेशर की दवा लेने की ज़रूरत है और इवैल्यूएशन की, प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। जी बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आई। तो डॉक्टर नेहा सिंह, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के हमें जवाब मिले होंगे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।